टीवी टेक न्यूज, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक, फैबुलस। जी हाँ, वैसे जो फ्री फायर के फैंस है ना, वो भी अभी फैबुलस होने वाले हैं, क्योंकि फ्री फायर इज मेकिंग अ कमबैक। यस, जैसे BGMI बैन हो गया था, वैसे ही फ्री फायर भी बैन हो गया था, BGMI वापस आ गया, वैसे ही फ्री फायर भी वापस आने वाला है। जी हाँ, ये जो है बेसिकली डेटा, उनके जो सर्वर्स थे वो इंडिया के बाहर थे, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही रखने वाले, तो यूजर्स का जो डेटा होगा वो वही होने वाला है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। सो फ्री फायर इज बैक। कितने लोग खुश हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक न्यूज हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए। एप्पल आईफोन 15 फाइनली डेट आ गई है दोस्तों। कहा जा रहा था कि डिले वगैरह होने वाला है, 22 वगैरह को लॉन्च होगी, नहीं दोस्तों, 12 सितंबर, इनफैक्ट 13 डेट आई थी उसकी, एक दिन पहले लॉन्च होने वाला है, 12 सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाला है। ये जो इवेंट है वांडरलस्ट, 12 तारीख को 10:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तब ये लॉन्च होने वाला है, 10:30 PM नॉट AM, सॉरी। वैसे इस टाइम दोस्तों आईफोन 15 प्रो में शायद अल्ट्रा भी हो सकता है, उसके बाद में वॉच सीरीज 9 अनाउंस होने वाली है, वॉच अल्ट्रा सेकंड जनरेशन, एयरपॉड्स प्रो विद टाइप सी अनाउंस होने वाले। सो बहुत सारी नई चीजें अनाउंस होने वाली है, आई एम एक्साइटेड। चलिए नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मोटरोला G84 लॉन्च हो गया, जबरदस्त क्या फोन्स लॉन्च कर रहा है मोटरोला। जी हाँ, 6.55 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz 10-bit पीओलेड डिस्प्ले के साथ, हाँ 695 प्रोसेसर है, लेकिन 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज आया हुआ है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों, इफेक्टिव प्राइस 18999 आई हुई है। वाओ, फैंटास्टिक। और एक फैंटास्टिक फोन लॉन्च हुआ है दोस्तों, iQOO Z7 Pro। वैसे दोनों भी G84 एंड Z7 Pro के वीडियोस लाइव हो गए, अगर नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा, बट Z7 Pro भी बहुत जबरदस्त है। 6.78 इंच FHD प्लस 120Hz 10-bit कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 1300 nits ब्राइटनेस है, डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 64GB OS कैमरा आता है, 4600 mAh की बैटरी एंड 66W चार्जिंग। इसका जो 8-128 वेरिएंट है वो 23999 में आया है, विद ऑफर्स 21999, अंडर 22000 आपको मिल रहा है। एक्सलेंट अगेन, ये लॉन्च हो गए हैं फोन्स। अब आने वाले कौन से फोन्स हैं? जी हाँ, मोटरोला फिर से एक फोन लॉन्च कर रहा है, मोटरोला G54 आ रहा है दोस्तों 6 सितंबर को, एंड ये जो है दोस्तों इसकी प्राइस भी बहुत एग्रेसिव होने वाली कही जा रही है। इनफैक्ट 8GB 128GB जो है कहा जा रहा है 15000 के नीचे आने वाला है, और इसमें डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर है, 8GB रैम, 12GB रैम के अलग अलग वेरियंट होने वाले, 6000 mAh की बैटरी होने वाली है। आई मीन क्या फोन, आई थिंक यू नो टाइम टू बाय स्मार्टफोन्स इज नाउ। पिछले 2-3 महीनों से और अगले 2-3 महीने बहुत जबरदस्त फोन अच्छे प्राइजेस पे लॉन्च हो रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू बाय स्मार्टफोन्स। वैसे ऑनर 90 के बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं दोस्तों, हमने बाहर से मंगा के उसका वीडियो किया हुआ है, नहीं देखा तो जरूर देखिए, लेकिन इंडियन वेरियंट दोस्तों अब उसका जो पेज है, टीजर पेज, वो अमेजोन पे लाइव हो गया है। ये जबरदस्त है, 7 Gen 1 प्रोसेसर है, 200 MP का कैमरा है, 200 MP प्लस 12 MP प्लस 2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 66W चार्जिंग है, अमेजॉन पे लाइव हो गया, इसका मतलब बहुत जल्दी, डेट एग्जैक्ट नहीं आई है बट बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में ही लॉन्च होगा। ऑलराइट, नाउ टाइम फॉर सम लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। गूगल पिक्सेल 8 प्रो 4th अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है दोस्तों, इसमें 6.7 इंच LTPO OLED डिस्प्ले होने वाला है, और 3rd जनरेशन का टेंसर चिपसेट, 50MP का कैमरा, 12GB रैम एंड 4960mAh की बैटरी, प्राइस ज्यादा होगी, गूगल पिक्सेल है। और दोस्तों ये मोटरोला कर क्या रहा है एक के बाद, मतलब पहले तो लगता था कि हर महीने एक फोन लॉन्च कर रहे हैं, अब तो ऐसे लग रहा है कि हर 15 दिन में एक एक फोन लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, और एक फोन उनका बहुत जल्दी आने वाला है जिसका डिजाइन लीक हो गया है, मोटरोला एज 40 नियो। जी हाँ, 144Hz पीओलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 1050 प्रोसेसर, 12GB 256GB वेरिएंट होने वाला है, 50MP प्लस 13MP का डुअल कैमरा सेटअप, 32MP का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। वाओ, एच सीरीज में और एक। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा, टिकट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आगे पीछे कभी स्नैपड्रैगन कभी एक्सिनोस करते रहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, अब ऐसे कहा जा रहा है कि ग्लोबली सब जगह पे सिर्फ स्नैपड्रैगन की चिपसेट आने वाली है, इज नॉट गोइंग टू बी एक्सिनोस, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल दीज आर जस्ट रूमर्स। WTF न्यूज ऑफ द डे, ये इतना WTF नहीं है बट इट इज काइंड ऑफ पीक इन टू द फ्यूचर, क्या होने वाला है, इंडिया का सबसे पहला AI स्कूल जो है वो अब इनॉग्रेट हो गया है, ओपन हो गया है केरला में, तिरुवनंतपुरम में। जी और ये जो है इसका ओपनिंग इनॉग्रेशन जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने किया हुआ है। सोचिए, AI आपको सिखाने वाला है, जो स्टूडेंट्स होंगे वो फिजिकल होंगे, लेकिन जो टीचर्स वगैरह होंगे, इट दे विल ऑल बी ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जी हाँ, दिस इज द पीक इन टू फ्यूचर, यू नो प्रॉब्ली 10 इयर्स 15 इयर्स डाउन द लाइन आपको ऐसे हजारों AI स्कूल्स ही दिखने वाले हैं। वाओ,
दोस्तों वक्त होता है रैपिड फायर का। जी हाँ, ट्विटर नहीं, एक्स, अभी एक्स है, पहले फॉर्मरली ट्विटर जाना जाता था, उसमें अब ऑडियो और वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। एलन मस्क जी ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल एड्रेस बुक, आपको फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कॉल, वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल कर पाओगे। वैसे वन प्लस ओपन, उनका जो फोल्ड है लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, इसके बारे में एक खबर आई है, 400 फोल्ड्स तक इसे टेस्ट किया गया है, सर्टिफाई किया है, इसका मतलब 100 फोल्ड भी दिन में करोगे तो 10 साल तक ये फोन चलने वाला है। वाओ। वैसे दोस्तों फोल्ड एंड फ्लिप 5 जो है सैमसंग गैलेक्सी के फोल्डेबल एंड फ्लिपेबल फोन, इसके कुछ नए ऑफर्स वगैरह आए हुए हैं। Z Flip 5 अब 4167 पर मंथ के EMI पे मिलने वाला है, जीरो डाउन पेमेंट, 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI होने वाला है। Z Fold 5 में भी ऐसे ही है, 6459 पर मंथ से आपको नो कॉस्ट EMI मिलने वाला है फॉर 24 मंथ्स। चलिए दोस्तों आज की हमारी जबरदस्त टेक न्यूज़ खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।